हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आज के इस वीडियो में क्या खास सीखेंगे आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं कुछ हिस्सों को मैंने कलर में कर रखा है। यहां पर देखिए ये येलो कलर लगाया हुआ है, यहाँ पे हल्का सा ब्राउन कलर आपको दिख रहा है और ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जगहों को मैंने सर्कल भी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसमें मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हम होम बटन के बारे में सीखेंगे। देखिए होम बटन का यूज क्या है एग्जैक्टली, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि होम बटन से क्या होता है भैया, आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो आप क्या करेंगे, होम बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कर्सर हमारा कहाँ पे है, हम इसी लाइन के स्टार्टिंग में यानी इसी रो के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे जैसे ही होम प्रेस करते हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं होम प्रेस कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर क्लिक रखते हैं और यहां से होम बटन प्रेस करते हैं तो यहां पर होम बटन प्रेस करने से क्या होगा, सीधा सीधा हम लाइन के स्टार्टिंग में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं कर्सर को यहां रखता हूं और यहां रखने के बाद होम बटन हम प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में चले जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा आप होम प्रेस करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप होम बटन प्रेस करने से लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर कर्सर को रखता हूं और कंट्रोल के साथ होम प्रेस करता हूं तो हम डॉक्यूमेंट के जो हमारा पेज ओपन है उसके एकदम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो दोनों में अंतर आप तय कर लीजिए कि कंट्रोल और होम प्रेस करने से आप पेज के एकदम स्टार्टिंग में चले जाएंगे और केवल होम प्रेस करते हैं तो उसी रो के स्टार्टिंग में चले जाएंगे। अगर आप पहले से स्टार्टिंग में हैं तो आपको कर्सर आपका वहीं पे रहेगा, आपको कहीं और नहीं ले जाएगा वो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।